नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव रंजन, मैं एक कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियाँ देखता हूँ। सो, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत बार मेरे पेशेंट्स पूछते रहते हैं कि यूरिक एसिड में क्या खाएं क्या ना खाएं। तो ये बीमारी जो यूरिक एसिड और उससे रिलेटेड जितने भी हैं उसके बारे में भी बताएंगे, क्या खाना चाहिए आपको यूरिक एसिड की, अगर हाई यूरिक एसिड रहे तो क्या खाना चाहिए, गाउट की समस्या है तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड हाई प्यूरिन कंटेनिंग डाइट लेने से होता है। जब भी कोई फूड में प्यूरिन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो तो ये लीवर में यूरिक एसिड मेटाबोलाइज करके बनाता है और ये यूरिक एसिड बढ़ता है। बहुत सारी बीमारियों में भी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण यूरिक एसिड बढ़ता है, ओबेसिटी में भी बढ़ता है, तो बहुत सारे कारण हैं। किडनी की समस्या से भी यूरिक एसिड बढ़ता है, तो मल्टीपल रीजंस है जहां यूरिक एसिड बढ़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कब बोलते हैं हम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, जब आपका ये 6.8 मिलीग्राम पर डीएल से ब्लड में बढ़ा हो तो हम बोलते हैं हाई यूरिक एसिड है। तो बढ़ा हो तो क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये यूरिक एसिड परसिस्टेंट हाई रहा तो मल्टीपल ऑर्गन को डैमेज करता है, जो कि मैंने एक दूसरे वीडियो में अच्छे से समझाया है कि हाई यूरिक एसिड होने से क्या क्या ऑर्गन पे दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलिए अभी जानते हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो पहला, कौन सा डाइट होता है जो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, या लेना भी चाहिए तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में, कभी कभी ओकेजनली। पहला चीज़, मीट और मीट प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, जैसे लीवर किडनी ऑर्गन मीट इनको बोलते हैं, या रेड मीट हो जाए, तो ये तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इनमें बहुत ही हाई प्यूरिन होता है और बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। दूसरा चीज़, सी फूड्स लाइक कि हम प्रॉन बोलते हैं, लॉबस्टर बोलते हैं, या कुछ फिश होते हैं, सी फिश होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही हाई प्यूरिन होता है, तो यूरिक एसिड इससे काफ़ी बढ़ता है, तो इसको भी छोड़ना चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, अल्कोहल सारे अल्कोहल फॉर्म, चाहे बियर हो, विस्की हो, वाइन हो, ये सारे अगर हाई क्वांटिटी में लिया जाए, रेगुलर बेसिस पे लिया जाए, तो बहुत ही यूरिक एसिड बढ़ता है। सो अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, शुगर, फ्रक्टोज कंटेनिंग चीज़। अब बहुत ज़्यादा मीठा खाने से, बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज कंटेनिंग प्रोडक्ट खाने से, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, फ्रक्टोज कंटेनिंग आर्टिफिशियल नेचुरल जूसेज आ गए हैं, या सोडा आ गया, ये सब जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, फ्रक्टोज कंटेनिंग मीठी चीज़ें होती हैं, तो उनको भी खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, तो आपको ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाई फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट, जैसे केक हो गया, बेकरीज का प्रोडक्ट हो गया, फ्राइड थिंग हो गया, तो हाई फैट कंटेनिंग थिंग्स भी लेने से यूरिक एसिड बढ़ता है, तो ये चार पांच आइटम जो है आपको बिल्कुल कम कर देना चाहिए इनका मात्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीज़ें ना लें। अब क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, लेने में हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं कि सबसे बड़ा जो मिथ होता है, लोग बोलते हैं वेजिटेबल प्रोटीन, जैसे दाल, चना, राजमा, छोले, ये सब बिल्कुल बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वेजिटेबल प्रोटीन खाने से यूरिक एसिड उतना नहीं बढ़ता है और नहीं रिलेशनशिप देखा गया कि यूरिक एसिड आपका बढ़ेगा इससे। तो लिमिटेड अमाउंट में, फिक्स क्वान्टिटी में वेजिटेबल प्रोटीन्स का सेवन आप कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे मेज हो गया, ग्रेन्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, काफ़ी लोग मानते हैं कि इससे यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन साइंस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स इनफैक्ट ये करता है कि यूरिक एसिड कम करता है, तो आप इसका सेवन ज़्यादा कर सकते हैं। और जो मिल्क प्रोडक्ट्स लें वो लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स लें। फ्रूट्स, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो हैं, ये यूरिक एसिड से रिलेशन इनका नहीं देखा गया है, आप इसको आराम से ले सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। प्रोटीन्स, जैसे कि मैंने वेजिटेबल प्रोटीन, सोया प्रोटीन, इवन लिमिटेड अमाउंट में चिकन प्रोटीन से भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप और बढ़ता नहीं है, इसको भी आप लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं। विटामिन सी, चेरीज और कॉफ़ी, ये तीन चीज़ है देखा गया कि इससे यूरिक एसिड कम होता है। और ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करें। वेट कम करने से यूरिन से यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होता है और यूरिक एसिड ब्लड में कम होता है, तो वेट कम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाटर इनटेक, अपने आप को हाइड्रेट करके रखना चाहिए, जिनको यूरिक एसिड हाई है, हाइड्रेशन से भी यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है और उसमें यूरिक एसिड निकलता है।
अब बात करते हैं कि क्या डाइट थेरेपी ही सिर्फ काफ़ी है अगर बहुत हाई यूरिक एसिड रहे और यूरिक एसिड रिलेटेड जॉइंट में, किडनी में या हार्ट में प्रॉब्लम हो, तो क्या डाइट थेरेपी सफिशिएंट होता है? नहीं, रिसर्च में जो देखा गया है कि अगर आप पूरा स्ट्रिक्ट कंट्रोल आप करते भी हैं डाइट, तो इससे सिर्फ 1 और 1.2 मिलीग्राम पर डेल ही यूरिक एसिड कम होता है, उससे ज़्यादा कम नहीं हो पाता है। तो अगर आपका परसिस्टेंट हाई यूरिक एसिड हो जिसमें 8 से ज़्यादा यूरिक एसिड हो, तो आपको एक मेडिकल ओपिनियन और रूमेटोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए। यूरिक एसिड और यूरिक एसिड से रिलेटेड जितने भी जॉइंट प्रॉब्लम है उसके लिए रूमेटोलॉजिस्ट बहुत एक्सपर्ट होते हैं इस बीमारी के। सो डाइट प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जिनका परसिस्टेंट हाई यूरिक एसिड रहे और उसके साथ साथ कोई जॉइंट और कुछ ऑर्गन में प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को मैं समराइज करूँ तो हाई प्यूरिन खाने से हाई यूरिक एसिड होता है, ना कि प्रोटीन खाने से। वेजिटेबल प्रोटीन्स सेफ होते हैं, आप इसको सेफली खा सकते हैं। मिल्क और जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सेफली आप ले सकते हैं। और डाइट को स्मॉल फ्रीक्वेंट अमाउंट में ले रैदर देन हाई अमाउंट में। कोई पार्टी में हाई डाइट ले लेने से यूरिक एसिड बढ़ता है और गाउट का अटैक होता है, तो स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट एडवाइस करते हैं। सो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिजीज़ और इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं इसके बारे में मैं अक्सर बताते रहता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक बेसिक नॉलेज के लिए। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।